सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी में हमेशा उनसे दूर रहना जो आप में वो कमी बताए जो आप में है ही नहीं। वैसा मजाक किसी के साथ मत कीजिए जैसा मजाक सह नहीं सकती। कभी भी घमंड या अहंकार में अपना सर ऊंचा न उठाएं। स्वर्ण पदक विजेता भी तभी पदक पाता है जब वो अपना सर झुकाता है। ढूंढेंगे अगर तो ही रास्ते मिलेंगे। मंजिलों की फितरत है, खुद चलकर नहीं आती। आज का पंचांग 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार, पौष मास के शुक्ल पक्ष के नौमी तिथि, रात्रि 7:52 तक रहेगी। इसके उपरांत दशमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। भरणी नामक नक्षत्र रात्रि 2:50 तक रहेगी। इसके उपरांत कृतिका नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का बीजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:15 से 12:58 तक रहेगा। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 10:15 से 11:36 तक रहेगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:36 से 6:25 तक रहेगा। आज चंद्रमा मेष राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मकर राशि पर रहेंगी। मिथुन राशि 20 जनवरी 2024 दिन शनिवार, आज का दिन घटनाओं से भरा रहेगा और आपको किसी अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार रहना है। आपको कई दिशाओं में सक्रिय रहना पड़ेगा लेकिन सकारात्मक बने रहेंगे। अपने ऊर्जा एवं वास्तविकता से परिपूर्ण सार्थक योजनाएं पेश करेंगे। अपनों को भी इसमें शामिल करें। आज किसी खास व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है। व्यस्तता के बावजूद कुछ समय अपने मन मुताबिक कार्यों के लिए जरूर निकालें। इससे आप अपने अन्य कार्यों पर भी अच्छी तरह फोकस कर पाएंगे और उचित परिणाम हासिल करेंगे। बच्चों की समस्याओं को सुलझाने में भी आपका विशेष योगदान रहेगा। पैसों की चिंता रह सकती है। जिन बातों की वजह से आप खुद को कमजोर समझ रहे हैं उनमें बदलाव करने का सही वक्त है। आपको पूरी मेहनत के साथ काम करने की जरूरत है। गलत लोगों का साथ छोड़ें और जो लोग आपकी भलाई चाहते हैं उनसे जुड़ें। करियर के बारे में जो सोचा है उसे अमल में लाने के लिए कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता है। जिन लोगों के साथ आपके विचार मिलते जुलते हैं उनके साथ चर्चा जरूर करें। लव रिलेशनशिप संबंधित निर्णय गलत ना हो इस बात का ध्यान रखना होगा। गलत खान पान की वजह से सेहत बिगड़ने की भी संभावना है, पूरा ख्याल रखें। छात्रों के लिए शिक्षा और ज्ञान में महत्वपूर्ण हो सकता है। आपका ध्यान आज पढ़ाई में है और आप अपनी शिक्षा में प्रगति करने के लिए मेहनत कर रहे हैं। पाठ्यक्रमों और ग्रंथों के अध्ययन में रुचि बनी रहेगी जो आपकी ज्ञान क्षमता को और बढ़ा सकती हैं। आप अपने शिक्षा से जुड़े छात्रों और शिक्षकों के साथ अच्छा संबंध बना सकती हैं जो बाद में आपका काम आएगा। आपका मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और आप पढ़ाई में पूर्णता की दिशा में अग्रसर हो सकती हैं। सावधानियां, किसी भी तरह के उधारी या लेन देन करने से परहेज करें। इससे तनाव और हानि के अलावा कुछ भी हासिल नहीं होगा। पड़ोसियों के साथ किसी भी वाद विवाद में उलझने से मामला बढ़ सकता है जिस वजह से मन कुछ व्यथित ही रहेगा। बेहतर होगा कि खुद को अपनी कार्यों में ही व्यस्त रखें। बात करते हैं लव लाइफ की। आज इस बात की काफी संभावना है कि आपसे संपर्क नहीं हो पाएगा। आज के दिन नए या पुराने संबंधों के लिहाज से भी अच्छा नहीं है। संबंधों के बजाय आप खुद का विश्लेषण करने में ही व्यस्त रहेंगे जिससे लोग ये समझ सकते हैं कि आप नहीं चाहते कोई भी आपको डिस्टर्ब करे। फिर भी आप किसी पुराने दोस्त से फोन पर बातें कर सकते हैं या आपका पहले का कोई करीबी आपसे मिलने आ सकता है। बात करते हैं करियर की। आपको विदेशी भूमि में स्थापित प्रतिष्ठित कंपनियों के साथ कार्य करने के लिए प्रस्ताव मिल सकता है और आपके विदेश में बसने का आपका सपना भी सच हो सकता है। हालांकि दस्तावेज से जुड़े कुछ मुद्दों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन इन मुद्दों का समय रहते हल हो जाएगा और जब आपको सब कुछ मिल जाएगा जिसे आप चाहते थे तो धन की वर्षा भी आप पर होने लगेगी। परंतु विदेश जाने के बारे में अच्छे से सोच ली। बिजनेस में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। अपनी कार्य प्रणाली और व्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने की जरूरत है। इसे नए ऑर्डर मिलने की बेहतर संभावना है। नौकरी पेशे लोग अपने कार्यों के प्रति कोई गलती होने से परेशानी में पड़ सकती हैं। ध्यान रखें,
बात करते हैं सेहत की। आपको आज अपने ऑफिस के काम की थोड़ी चिंता और तनाव रह सकता है। आपको यह समझने की जरूरत है कि आप हर किसी को खुश नहीं रख सकते। ऐसा करने की कोशिश से आप व्यर्थ का तनाव ही मोल लेंगे, जिससे आपकी सेहत प्रभावित होगी। इन सब चीजों के स्थान पर आपको काम से छुट्टी लेकर आराम करने की जरूरत है, जिससे आपकी ऊर्जा बनी रहे। आपको अपने मानसिक तनाव को दूर करने के लिए कुछ राहत पहुंचाने वाले व्यायाम करने चाहिए। स्टूडेंट्स का मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रह सकता है, परंतु ज्यादा पढ़ाई का प्रेशर ना लें। आज का उपाय, आज आप हनुमान भगवान जी की पूजा आराधना करें और सिंदूर अवश्य चढ़ाएं, अति शुभ रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।